नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 24 जून से बढ़ाकर अब 1 जुलाई तक कर दिया गया है, जिसमें कोई भी अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है। बता दूं कि आज ताजा आपदा प्रबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया और झारखंड में जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पहले से चलता आ रहा था उसको जारी रखते हुए 1 जुलाई तक इसे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। साथ ही अभी भी अगर कोरोना की बात करें तो झारखंड में कुछ हद तक इसकी जो केसेस हैं वो कम हुई है, लेकिन अभी भी लोगों को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और साथ ही खुद को सुरक्षित रखने की भी ज़रूरत है। हेमंत सरकार ने पहले ही कहा था कि हम तब तक राज्य के उन चीज़ों को नहीं खोलेंगे जब तक पूरी तरह से झारखंड में कोरोना के केस खत्म नहीं हो जाएंगे। मैं बता दूं तो फिलहाल जो आज आपदा प्रबंधन की बैठक हुई उसमें सभी चीज़ें पहले की तरह ही है, यानी कि जो दुकान खोलने का समय है वो शाम 4 बजे तक ही रहेंगे। इसके बाद सारे दुकानों को खोलने की जो अनुमति हो 4 बजे के बाद बंद करनी पड़ेगी। वहीं बसों के परिचालन पर भी अभी फैसला नहीं लिया गया है, यानी कि बस परिचालन भी अभी शुरू नहीं होगा। मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन रखना अनिवार्य होगा। बता दूं कि 22 अप्रैल से लगातार झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जारी है और इसको लगातार 1 जुलाई तक यानी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ऐसे में कह सकते हैं अभी भी सारी वही जो तमाम चीज़ें हैं पहले की तरह वही खुली रहेंगी और बाकी सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। रेस्तरा में भोजन की होम डिलीवरी के साथ टेक अवे की अनुमति प्रदान पहले की तरह ही है। सभी दुकानों को 4 बजे तक खोलने की अनुमति है, इसके बाद फिर बंद करने की अनुमति है। शनिवार की शाम 4 बजे से सुबह सोमवार की सुबह 6 बजे तक जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगी, सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़कर। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर सभी बंद करने की अभी अनुमति है, यानी कि पहले की तरह ही सारी चीज़ें, कुछ भी अतिरिक्त छूट नहीं दी गई। यानी कि आज के हुए बैठक में बस यही है कि जो तमाम चीज़ें हैं उसको बढ़ाकर 1 जुलाई तक कर दी गई है, लेकिन किसी भी चीज़ों में छूट नहीं दी गई है। यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद जो फिर एक बार आपदा प्रबंधन की बैठक होंगी उसमें उन चीज़ों पर फैसला लिया जाएगा और साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में किन किन चीज़ों में ढील दी जाएगी वो 1 जुलाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी कोई भी छूट नहीं दी गई है और झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 1 जुलाई तक बढ़ाकर कर दी गई है और सभी चीज़ें पहले की तरह ही हैं। जो शनिवार शाम 5 बजे से सुबह सोमवार की सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध, पूर्ण प्रतिबंध रहता था वो लागू रहेंगी और बाकी दुकानें 4 बजे तक ही खुलेंगी, यानी कि कोई भी अतिरिक्त छूट नहीं है। इसी प्रकार झारखंड की बड़ी अपडेट और साथ ही देश विदेश की खबरों के लिए भी बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबर आप तक पहुँचे और आप हर खबर देख सकें। नमस्कार।